सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कोलकाता मेट्रो के अंदर निकली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, बेशक आपने 10वीं कर रखी हो या फिर 12वीं कर रखी हो या ITI कर रखी हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका निकल के आ चुका है। तो दोस्तों आप आवेदन ज़रूर कर लेना। दोस्तों आवेदन कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सरकारी भर्ती देखो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि पूरे YouTube चैनल पे आपको हमारे जैसी जानकारी कोई नहीं देने वाला और दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो भाई जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो और ये बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। यहाँ देखिए 10th पास गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी इन WB 2022 मेट्रो रेलवे कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता मेट्रो के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। 104 अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे जॉब वैकेंसियाँ निकल के सामने आ चुकी हैं। और दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है 22 जनवरी 2022 को निकली हुई थी। तो दोस्तों आप जल्दी से आवेदन कर देना वीडियो देख के। लिंक मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ, लिंक भी आपको बताऊँगा, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करके देखते हो तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करके डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आज की जॉब के बारे में पूरी डिटेल आपको देखने मिल जाएगी। आप इसे खुद से चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि जो है 22 फरवरी 2022 है, ठीक है। तो 22 फरवरी 2022 से पहले आप आवेदन कर देना, 21 फरवरी तक आवेदन होंगे और 22 जनवरी 2022 से आवेदन होने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात आ जाती है देखिए दोस्तों डिटेल की, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में देने वाला हूँ। यहाँ पर अगर बात करी जाए नेम की कि किस पद के लिए जॉब निकली हुई है या फिर किस कंपनी से निकली हुई है, यहाँ पर देखिए मेट्रो रेल भवन कोलकाता, यानी कि मेट्रो रेल भवन कोलकाता की तरफ से ये जॉब वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों बात आती है पोस्ट नेम की, देखिए एक्ट अप्रेंटिस, फिटर, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैकेनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, बहुत सारे पदों के लिए जॉब देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ पोस्ट की कि कितने पदों के लिए वैकेंसी यहाँ निकल के आई है। दोस्तों 104 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ निकल के सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों आप आवेदन ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको कहीं भी ये जानकारी नहीं मिलेगी और ना ही किसी वेबसाइट पर आपको ये जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे बात आती है देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट की कि एप्लीकेशन भरने स्टार्ट कब से हुए हैं। तो 22 जनवरी 2022 से आवेदन होने प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि जो है इसकी 21 फरवरी 2022 है। तो दोस्तों 21 फरवरी 2022 से पहले आप आवेदन जरूर कर देना। दोस्तों बात आ जाती है देखिए एप्लीकेशन एंडिंग डेट की। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है 21 फरवरी 2022 यहाँ पे लास्ट डेट है। अब बात आती है देखिए कैटेगरी की कि किस कैटेगरी में जॉब आती है, रेलवे जॉब के अंदर ये कैटेगरी आ जाती है। दोस्तों बात आती है देखिए एप्लीकेशन मोड की कि जो आपका एप्लीकेशन होगा या आवेदन मोड होगा वो क्या रखा गया है। दोस्तों ये आवेदन आपका ऑफलाइन रखा गया, आप यहाँ पे ऑफलाइन ही यहाँ आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे देखिए एकेडमिक मार्क्स के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों बात आती है जॉब लोकेशन की, तो देखिए कोलकाता वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पे रखी गई है। अब बात आती है ऑफिशियल वेबसाइट की, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वैकेंसी की पूरी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। फिटर के लिए यहाँ पे देखिए 64 वैकेंसियाँ, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए 19 वैकेंसियाँ, मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए 7 वैकेंसियां, वेल्डर के लिए यहां पे 7, प्लंबर के लिए 7, टोटल आपको जो पोस्ट मिलेंगी 104 मिल जाएंगी। अब बात आ जाती है देखिए यहां पे एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखिए यहां पे आपकी 10वीं 12वीं होना अनिवार्य है, 10वीं के साथ में आपकी ITI हो तो अच्छी बात है, 12वीं के साथ ITI है तो भी अच्छी बात है, यानी कि 10वीं 12वीं साथ में, या फिर आपने 10वीं के साथ ITI कर रखी है 12वीं के साथ, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए नेशनल लेवल से आपकी ITI होना अनिवार्य है, NCVT से आपकी ITI होना अनिवार्य है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों देखिए एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो 15 से 24 साल के कैंडिडेट जो भी हैं यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, बेशक मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के आधार पे होने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए अप्लाई आपको करना कैसे है। दोस्तों वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा
सरकारी भर्ती देखो का आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और यहाँ पे देखिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा पोस्टल एड्रेस आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको एड्रेस पे पोस्ट करना है। ठीक है, ये रहा एड्रेस, और यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल करके प्रिंट करा के यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना सरकारी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी करके इसी तरह की एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।